कहा जाता है कि कार पे पड़े हर स्क्रैच सीधे कार ओनर के दिल पे लगता है, पर भाई कार चलेगी तो स्क्रैच भी लगेंगे। आज का वीडियो डेली स्क्रैचेस पे फोकस है जो हम खुद निकाल लेंगे, ना डेंटर, ना पेंटर, ना इंश्योरेंस और ना ही डिटेलिंग वाले के पास जाना है। तो मुझे भी कुछ दिन पहले ही सरप्राइज मिला था। ये पत्थर से खुरची हुई मेरी कार है, ये डे टू डे स्क्रैचेस का वर्स्ट केस है। इसमें क्लियर कोट स्क्रैचेस से लेकर प्राइमर तक डीप स्क्रैचेस है। स्क्रैच गोल है, सीधी लाइन में नहीं है, फिर भी हम इसे खुद ठीक कर लेंगे ऐसे। 90% लोग कहेंगे कि रबिंग करवा लो, 60-70% स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे, या रिपेंट ही ओनली सॉल्यूशन है क्योंकि स्क्रैच तो गहरे हैं। 10% कोलगेट भी सजेस्ट करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और इसका साइंटिफिक रीजन है। कार पेंट में कार की बॉडी पे पहले प्राइमर या बेस कोट की लेयर करते हैं, फिर कार पेंट की लेयर होती है और उस पर क्लियर कोट की लेयर होती है। ये सभी लेयर्स कुल मिला के बाल बराबरी होती है। लग्जरी कार्स में ये लेयर ज्यादा होती है और हमारी इकोनॉमिकल कारों में कम। सबसे ऊपर की लेयर क्लियर कोट हमारी कार को शाइन देती है और पेंट को प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर पूरी घिसी और गाड़ी की शाइन गई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं और मेरे दोस्त ने हमारी पहली कार लगभग साथ साथ ही ली थी। वो मेहनती था, रबिंग पॉलिशिंग फ्रिक्वेंटली की, और मैं आलसी, तो कार वॉश के अलावा कुछ भी नहीं किया। 5 साल बाद मेरी कार शाइन मार रही थी और उसका क्लियर कोट लगभग घिस गया था। 13 साल के बाद मैंने कार की पहली रबिंग कराई और कार की शाइन वॉज एज गुड एज न्यू। सारी कहानी क्लियर कोट को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर हर डे टू डे स्क्रैच के लिए मैं अपनी कार पैनल्स को रबिंग करवाता गया तो इवेंचुअली क्लियर कोट पूरा घिस जाएगा, क्योंकि रबिंग में एब्रेसिव कंपाउंड आपके क्लियर कोट को काटते हैं और इससे डीप स्क्रैचेस भी ठीक नहीं होंगे। रिपेंट में पेंट का कलर मैच होना, सभी पैनल्स एक साथ दिखना, ये एक प्रॉब्लम है। तो हम स्मार्टेस्ट तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्क्रैच का साइंस ये है, स्क्रैच सरफेस अनइवन होने के कारण लाइट रेस के बड़े हिस्से को अनइवन तरीके से स्कैटर करती है और इसलिए ये अलग से चमकती हुई दिखती है। रबिंग से क्लियर कोट घिसकर स्क्रैच की अनइवन सरफेस को स्मूथ करके लाइट स्कैटर कम करते हैं और इससे स्क्रैच हल्का दिखता है और क्लियर कोट की अच्छी खासी परत उड़ जाती है। इस प्रोसेस में हम जो करेंगे वो इस तरह है कि हम स्क्रैच में सेम कलर का पेंट भरेंगे और उसी पेंट को स्मूथ करेंगे और हमारा क्लियर कोट एज इट इज सेफ रहेगा। इसके लिए चाहिए मैचिंग पेंट जो आप किसी ऑटोमोटिव पेंट शॉप से बनवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन, एज और मॉडल के साथ पेंट भी फेड होता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए ऑटोमोटिव पेंट शॉप से कस्टम पेंट बनवा लें। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कॉम्पेंट का टचअप पेन ऑर्डर किया है। ये मारुति का G9 ग्रेनाइट ग्रे कलर है जो मेरी गाड़ी का कलर है। मुझे ये 557 का पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग भी इसी मंथ की है। किट में पेंट का मार्कर, 2500 ग्रिट का एमरी पैड और कटिंग कंपाउंड है। सबसे पहले स्क्रैच करने वाली चीज का कुछ रेसिड्यू छूट गया हो तो 3M के रबिंग कंपाउंड से उसे हटा लें। स्क्रैच के अंदर पॉलिश या रस्ट हो तो वो भी सिरिंज नीडल से साफ कर लें। पेंट के अच्छे से जॉइंट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले स्क्रैच एरिया को गर्म पानी और कार वॉश या हैंड वॉश के सॉल्यूशन से साफ कर दें ताकि डस्ट और ग्रिम हट जाए। फिर एसोप्रोपाइल अल्कोहल से स्प्रे करके पोंछ दें। मेरी सरफेस साफ है। कलर के मार्कर को हिलाकर टिप को किसी हार्ड सरफेस पर दबाकर कलर निकालें। कलर मैच कर लें जैसे मैंने गेट की गास्केट के पीछे किया है। अनफॉर्चुनेटली कलर एक शेड लाइट है और अब मैं इसको चेंज कराने का टाइम भी नहीं है, तो मैं इसी को यूज कर लूंगा। पहले स्क्रैचेस पर हल्के हाथ से मार्कर चला लें जैसे ड्राइंग कर रहे हो।
again. Let's go. पाँच दस मिनट सूखने दे, फिर डेबी मोशन में दबा के पेंट को एक और लेयर कर दे। अपना पर्पस इतना है कि पेंट स्क्रेच से बाहर एक्स्ट्रा निकला हो, जिसको घिस के क्लियर कोट के बराबर लाएंगे। स्क्रेचेस पेंट से कवर हो गए हैं, अब इसको दो दिन तक सेट होने के लिए छोड़ दिया। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा पेंट की घिसाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने एब्रेसिव्स को। एब्रेसिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तरह के रेगमार्ग है, लेकिन ये बहुत बारीक वाले रेगमार्ग है। रबिंग कंपाउंड पॉलिश भी काफी बारीक दाने वाले एब्रेसिव है। वैक्स एब्रेसिव का ऑपोजिट है। ये गाड़ी पे एक फिल्म चढ़ा देता है, तो वैक्स यूज करना सेफ होता है। मैंने कोर्स टू फाइनर में इन एब्रेसिव्स को अरेंज किया है। रेगमार्ग में बड़ा नंबर फाइनर होता है, जैसे 1000 से फाइनर 2000 होगा। सेफ चलने को मैं हमेशा 2500 नंबर या 3M रबिंग पेस्ट का यूज करता हूँ। ये पेस्ट 2500 से 3000 के बीच का इफेक्ट देता है। इससे रगड़ के दूसरी गाड़ी का छूटा हुआ पेंट या पत्थर ईट का रेजिड्यू हटा सकते हैं। पेंट को घिसने को 3000 से 5000 ग्रिट साइज का रेगमार्ग यूज करते हैं, और इससे फाइन है टर्टल वैक्स का रबिंग कंपाउंड, जो कि 10,000 की ग्रिट साइज जितना लाइट है। सबसे हल्का स्क्रैच आउट है, जो कभी काम ही नहीं किया। फिर है वैक्स, जो क्लियर कोट पर स्मूथ परत चढ़ा देता है, जिससे शाइनिंग बढ़ जाती है। वैक्स शाइन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। पेंट रब करने से पहले पैनल साफ कर लें। हम चाहते हैं कि ओनली पेंट को घिसना है, इसलिए पेंट की मोटाई के बराबर ही रबड़ की मोटाई मैंने काटी है, ताकि एक्स्ट्रा क्लियर कोट नहीं घिसे। इसके ऊपर मैं रेगमार्ग इसके ऊपर लगा देता हूं। हमने 3000 ग्रिट का सैंडपेपर रबड़ के ऊपर लपेटकर सिर्फ एक्स्ट्रा निकला हुआ पेंट हल्के हाथ से निकालना है। हाथ ऐसे चलाना है जैसे रबड़ से मिटाते हैं। सैंडपेपर को गीला रखें। 3000 ग्रिट कम कोर से सो टाइम लगेगा, लेकिन आपके क्लियर कोट को ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। सैंडपेपर के सरफेस को गीला करके पेंट पर रगड़ते रहें, जब तक एक्स्ट्रा पेंट जो स्क्रैच से बाहर है हट नहीं जाता। ये प्रोसेस काफी पेशेंस रखने वाला है, टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स अच्छा आएगा। फिर 5000 साइज की ग्रिट का सैंडपेपर लेकर किसी भी पोर्शन को स्मूथ आउट करना है। ज्यादा रगड़ना नहीं है, बस देखना है कि अनइवन सरफेस स्मूथ आउट हो गई हो। अब इस हेजी पोर्शन को स्मूथ आउट करने के लिए हम फिनिशिंग कंपाउंड जैसे टर्टल वैक्स से पॉलिश करेंगे। इससे सरफेस सुपर स्मूथ हो जाएगी और शाइन वापस आ जाएगी। सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, क्योंकि ये सुपर फाइन है तो स्वेल मार्क्स नहीं पड़ेंगे। अब स्क्रेचेस बिल्कुल नहीं दिख रहे। बहुत पास से देखने पर ही जो लाइट कलर यूज किया है वो कलर दिख रहा है। तो इन नटशेल हमने स्क्रैच में फिलर भरा, जो सेम शेड का कलर है, उसे ही चिकना किया, और इस प्रोसेस में ओरिजिनल क्लियर कोट को डैमेज नहीं किया, और रिजल्ट्स ऑसम।